शिखा सहगल है और मैं अपना डेब्यू करने जा रही हूँ उड़न शो के साथ। उड़न शो मेरी पहली हिंदी बॉलीवुड फिल्म होगी और आज जो है हम इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, तो आप पीछे देख सकते हैं कि हमारी फिल्म का पोस्टर है जिसका हमने लॉन्च किया है आज। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैम उड़न छू जो मूवी है इस बारे में क्या बताएंगे? उड़न छू जो है एक कॉन फिल्म है, 100% एंटरटेनमेंट है। ऑल आई वुड से इज दैट नॉर्मली एंटरटेनमेंट के नाम पर जो होता है कभी कभी इलॉजिकल चीज़ें बन जाती है, तो यहाँ पर आई वुड से कि अपन एंटरटेनमेंट होने के साथ साथ लॉजिकल भी है, सेंसिबल भी है और इनमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी डिलीवर करके जाती है। तो इट्स अ फुल पैकेज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। मैं किस तरह का मैसेज डिलीवर कर रही है? उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ओके मैम, जैसे कि आपकी फर्स्ट मूवी है तो इसके लिए आप कितने कॉन्फिडेंस थे या कन्फ्यूज थे फर्स्ट मूवी? ऑब्वियसली इनिशियली जब स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, मेरा जो किरदार है पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी कि इट्स अ कॉन गर्ल आई एम प्लेइंग, सिंस इट्स अ कॉन फिल्म ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन दिस फिल्म आर कॉनिंग ईच अदर, सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, आई एम प्लेइंग अ कॉन गर्ल कैरेक्टर। सो द कैरेक्टर ऑफ माइन इन द फिल्म, हर नेम इज़ दिव्यानी, सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शी चेंजेज हर सेल्फ एंड अडॉप्ट्स हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अपने रंग बदल लेती है। अब बोलना तो बहुत आसान है बट एज अ परफॉर्मर अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली इट्स मी ओनली हु इज़ डूइंग 5-6 डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो इनिशियली ऑब्वियसली चैलेंजिंग था बिकॉज बींग माई फर्स्ट फिल्म लॉट ऑफ परफॉर्मेंस वॉज नीडेड फ्रॉम माई एंड, बट हुई हमारी वर्कशॉप्स हुई, डिस्कशंस हुए डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, और जब तक हम फ्लोर पर गए तब तक वी वर वेरी श्योर एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, माई टीम वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट मी एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ दैट नाउ वी जस्ट हैव टू लेट गो एंड जस्ट गो विद द फ्लो। तो तब कोई इनहिबिशंस नहीं थे, जितने भी इनहिबिशंस थे, जितना भी डर था, वो वर्कशॉप में सब खत्म हो गया। प्रेम चोपड़ा इस मूवी में काम कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत बहुत अच्छे इंसान है ऑब्वियसली, जब तक मैं बचपन में उन्हें देखती आई हूँ, अब ग्रोन अप लुकिंग एट हिज फिल्म्स एंड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर एज अ विलन, ऑब्वियसली वो दिमाग में रहता था कि अगर ये विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं तो रियल लाइफ में भी उतने ही होंगे, स्कैरी होंगे, उतने ही गुस्सा करते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं उनसे मिली सो ग्राउंड टू अर्थ एंड आई मीन आई रियलाइज यू नो लुकिंग एट हिम द पोटेंशियल अ पर्सन शुड हैव टू बिकम अ पावरफुल एंड अ लेजेंड एक्टर लाइक हिम, व्हाट यू नीड एक्चुअली टू बिकम अ लेजेंड, सच अ ग्राउंड टू अर्थ पर्सन, सो इट वॉज फन एंड लवली वर्किंग विद हिम एंड आई मीन ऑल द अदर एक्टर्स ऑफ माई फिल्म। आपके किरदार के लिए मेरा किरदार जो है, जैसे मैंने कहा कि कौन गर्ल का किरदार है, दिव्यानी नाम है कैरेक्टर का, एंड आई वुड से दैट शी इज लाइक अ कमेलियन इन द फिल्म, गिरगिट की तरह है कि जिस सिचुएशन में जाती है, जहाँ जाती है, अपने रंग बदल लेती है अपना मोटिव और अपना जो गोल फुलफिल करने के लिए। तो ऑब्वियसली इन किरदारों को निभाने के लिए मुझे मेहनत ज़रूर करनी पड़ी पर बहुत मज़ा आया जब मैं एक एक कैरेक्टर निभाती थी। कभी शी इज़ बिकमिंग एन एजेंट, एट टाइम्स शी इज़ बिकमिंग अ गाँव का छोरी, समटाइम्स शी इज़ यू नो अ वेरी सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर। तो एज एन एक्टर बहुत अपीलिंग रहा और बहुत चैलेंजिंग था ऑफकोर्स, बट बहुत मज़ा आ रहा था करने के लिए। कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि आई एम परफॉर्मिंग, मतलब इतना ज़्यादा स्टडी हो गया था दैट यू नो आई वाज जस्ट डूइंग इट। आपके साथ और कौन-कौन लीड में कौन है और कौन-कौन है इस फिल्म में? मेरे साथ हैं रजनीश दुग्गल जी, प्रेम चोपड़ा जी, आशुतोष जी, रूना इज वर्किंग विद मी, अनिल जॉर्ज सर है, ब्रजेंद्र काला है, ऑल गुड टीम्स एंड पावरफुल एक्टर्स वी हैव इन दिस फिल्म। लेकिन जो असली बाबा है हमारे लोग हैं जैसे फिल्म बनाते हैं